बच्चे को प्यार करते हुए। अरे मेरी रानी बेटी, यह क्या है? ये तुम्हारी आंखें हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे नाक कहते हैं। अच्छा, जिससे हम सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे तो हम कान कहते हैं। तभी मम्मी आती है और दादी को कहती है, माँ जी, ये आप क्या सिखा रहे हैं? आप इसे हिंदी बोलना सिखा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आंखों को आईज, नाक को नोज और कान को ईयर्स कहना सीखे। अगर वो हिंदी में बात करेगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर बेटा, मैं तो उसे अपनी भाषा सिखा रही थी, और क्या अपनी भाषा सिखाना बुरा है? माँ, आप उसे कुछ ना सिखाए, वही बेहतर है। कुछ दिनों में ये स्कूल जाएगी और अगर इंग्लिश में नहीं बोल पाए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तभी बच्ची माँ कहती है, माँ। और जैसे ही वह माँ कहती है, माँ खुश हो जाती है और बोलती है, देखो माँ जी, सुना आपने, मेरी बेटी ने मुझे माँ कहा। शायद मुझे उसे मॉम सिखाना चाहिए था, मैंने उसे माँ शब्द सिखाकर गलती कर दी। बच्ची बड़ी हो गई है और विद्यालय जाने लगी है। वह विद्यालय की लाइब्रेरी में जाती है। बच्ची लाइब्रेरी में जा रही है, किताबें देखते हुए उसका ध्यान हिंदी की किताब पर पड़ता है। अरे वाह, हिंदी की किताब! अरे ये तो दादी माँ की कहानियाँ हैं, इसे मैं ले लेती। फिर सोचती है, नहीं नहीं, अगर हिंदी की किताब लूंगी तो माँ गुस्सा करेगी। किताब वापस रख देती है। परीक्षा का रिजल्ट आया है। बेटी स्कूल से आती है और अपनी माँ को रिजल्ट बताती है। माँ माँ, देखो मेरे रिजल्ट आ गए हैं। माँ भागते हुए आती है और कहती है, देखो तो जरा मेरी बेटी को कितने अंक मिले हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। गणित में 50 में से 45, हिंदी में 50 में से 48, और ये क्या, अंग्रेजी में 50 में से सिर्फ 32? ऐसा क्यों? और तुमने इतने सारे प्रश्न छोड़ दिए हैं? हाँ माँ, क्योंकि मुझे कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहे थे। पर तुम तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ती हो, फिर भी तुम्हें प्रश्न समझ में क्यों नहीं आए? माँ, इसमें पहला प्रश्न है जिसमें मुझे अपने सपने के बारे में बताना है। मेरे सपनों में माँ हमेशा तुम होती हो। कभी कभी पेड़ होते हैं, पंछी और नदियाँ होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं। अब तुम बताओ माँ, इन सब में से कौन अंग्रेजी में बात करता है? हाँ माँ, माँ हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं। अब हमारे सपनों में तो हम अपनी भाषा को रहने दें। जो पहला शब्द कहा तुमने वो इस भाषा में कहा। इस भाषा में सुनी तुमने एक दादी माँ की कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। फिर होते चले गए तुम इस भाषा में शब्द में, कुछ हवा से तेज, कुछ बादलों से हल्के। इस भाषा में से तुमने खेलना सीखा, शब्दों को टटोलना सीखा। शब्द वही पर बदला मतलब, बदला सोचने का ढंग। इस भाषा जो है अपनों की भाषा, तुम्हारे सपनों की भाषा, दिल की भाषा, दिमाग की भाषा, आने वाले कल की भाषा। तो क्यों ना हम सभी मिलकर इस भाषा को सम्मान दें। जय हिंद। Thank you.
त्रिपाठी हूँ। मैं रणवीर आज आपके समक्ष आपको हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहूँगा। हिंदी दिवस भारत के हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारी भाषा राजभाषा हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में सहमति से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी निर्णय को महत्व देने के लिए राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्ध के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता लगा। तब से धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राजभाषा का रूप ले लिया। अब विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं। हमारी राजभाषा हिंदी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी केवल हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमें संस्कृति से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के उच्च राजकीय स्तर के व्यक्ति किसी और देश में जाकर हमारी राजभाषा हिंदी के सभी को संबोधित करते हैं तो हमारे देश का गौरव भी बढ़ता है। धन्यवाद।